कलंक में माधुरी का रोल पहले श्रीदेवी को ऑफर हुआ था। मंगलवार को मुंबई में करण जौहर की कंपनी की मल्टी स्टारर फिल्म कलंक के टीजर लॉन्च समारोह में माधुरी दीक्षित ने दिवंगत श्रीदेवी को याद करते हुए कहा कि उनकी जगह इस रोल को करने की बात सोचना उनके लिए मुश्किल था। मूल रूप से कलंक का ये रोल श्रीदेवी को गया था। पिछले साल फरवरी में उनके निधन के बाद माधुरी दीक्षित को ये रोल दिया गया। माधुरी ने कहा कि श्रीदेवी महान अभिनेत्री थीं और वे लाजवाब इंसान थीं। माधुरी के मुताबिक, उनके निधन के बाद ये रोल करना मेरे लिए और ज्यादा कठिन हो गया था, लेकिन मैंने इसे चुनौती की तरह स्वीकार किया। माधुरी दीक्षित ने कभी श्रीदेवी के साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया। हालांकि दो ऐसे मौके आए थे जब वे साथ काम कर सकती थीं। जब सुभाष घई फिल्म कर्मा बना रहे थे तो माधुरी दीक्षित का ऑडिशन हुआ था, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं रही थीं। श्रीदेवी ने कर्मा फिल्म में जैकी श्रॉफ की जोड़ीदार के तौर पर काम किया था। इसके बाद माधुरी को सुभाष घई ने फिल्म उत्तर दक्षिण और फिल्म राम लखन में कास्ट किया था। इसके बाद रमेश सिटी के निर्देशन में बनी फिल्म जमीन में श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित ने साथ काम किया था। इस फिल्म में श्रीदेवी की जोड़ी विनोद खन्ना के साथ और माधुरी की जोड़ी संजय दत्त के साथ थी। फिल्म में रजनीकांत भी थे। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी।